खबर है बस्ती से, जहां जनपद में घटित कबीर हत्याकांड व मूर्ति विसर्जन के दिन हुआ अमूदा विवाद की सीबीआई जांच कराते हुए दोषियों को कठोरतम सजा दिलाने को मांग करते हुए समाज सेवी चंद्रमणि पांडे सुदामा जी ने कहा, जिस तरह जनपद में लगातार अप्रिय घटनाएं घटी व घटना उपरांत आक्रोश उत्पन्न हुआ, उसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। आखिर पढ़ाई कर रहे छात्रों के पास हथियार व उसके लिए पैसे आए कहां से? गोले चलाने के लिए किसने उकसाया? क्या कबीर ने इतना आतंक मचा रखा था कि हत्या आवश्यक थी? क्या कबीर गलत रास्ते पर चल रहा था? यदि हाँ तो उसको सह देने वाले कौन थे? क्या ये हत्या सोची समझी रणनीति के तहत हुई या कोई पूर्व का विवाद था? यदि था तो जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते मामले को संज्ञान में क्यों नहीं लिया? कबीर की मौत के बाद जिस तरह अराजकता में 50 लाख से अधिक सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, ऐसे में सवाल यह भी उठता है, गम को आक्रोश में बदला किसने? समर्थकों को उकसाया किसने? क्या मौके पर कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं था? यदि मौजूद था तो क्या उनके द्वारा आक्रोश शांत करने का प्रयास किया गया? यदि साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश नहीं हुआ तो जाने कितने कबीर इनके साजिश के शिकार होते रहेंगे। इतना ही नहीं, कबीर हत्या के एक दिन पूर्व जिस तरह मूर्ति विसर्जन के दौरान जिले के अमोरा बाजार में मार्ग में मांस गिराया गया व आक्रोश में आगजनी हुई, और इन घटनाओं के क्रम में अनावश्यक रूप से जिलाधिकारी को भी हटाया गया, इसकी भी जांच जरूरी है। क्योंकि लोगों में यह भी चर्चा है कि कहीं जिलाधिकारी के जांच से घबराए लोगों ने जिलाधिकारी का नाम जोड़ उन्हें हटाने का प्रयास तो नहीं किया? यदि हाँ तो भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगेगा? यदि सामान्य स्थानांतरण था तो आधी रात स्थानांतरण क्यों? बस्ती से पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। आज हम लोग बस्ती जनपद में जिस तरीके से अराजकता फैली हुई हो, चाहे मूर्ति विसर्जन के दौरान अमोढ़ा में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया हो, या जस्ट अगले दिन छात्र नेता कबीर तिवारी की दिन दहाड़े हत्या हुई, उस मामले की सीबीआई जांच कराने को की मांग को लेकर के ज्ञापन देने का काम किए हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई एक दिन में अपराधी नहीं बनता है। पढ़ने वाला बच्चा जिसके पास 2000 रुपया देने के लिए नहीं था, उसके पास हथियार खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया? हत्या करने के लिए उसके पास साहस कहाँ से आया? दूसरी चीज़, क्या कबीर तिवारी के कार्य प्रणाली ऐसी थी कि उनकी हत्या जरूरी थी? अगर ऐसा था तो उनके पीछे किन किन लोगों का साथ था, उसका भी खुलासा होना चाहिए। या कहीं ये दोनों बच्चे केवल राजनीति के शिकार तो क्यों नहीं हुए? क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में बेवजह जिलाधिकारी महोदया का भी स्थानांतरण हुआ, उससे इस बात का भी संदेह जनपद में लोगों के द्वारा जनचर्चा में आ रही है कि जिलाधिकारी महोदया हम लोगों के मांग पर चाहे अटल बिहारी प्रेक्षागृह का जांच हो या अन्य विकास कार्यों का जांच हो, जांच कर रही थी, तो कहीं उनके जांच के आंच में जो लपेटे में आ रहे थे उन लोगों ने तो कोई बड़ी साजिश नहीं रची। इसलिए घटना की उच्च स्तरीय सीबीआई से जांच कराया जाए, जो दोषी हों वो बचे ना, जो निर्दोष हों वो फंसे ना, और कबीर को न्याय यही होगा कि हर साजिशकर्ता पकड़ा जाए, ताकि फिर कोई कबीर की तरीके से घटना का शिकार ना हो।